नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लास्टीज देख रहे हैं। सेना में बहाली की प्रक्रिया में हुए बदलाव के बाद, अग्निपथ योजना के लॉन्चिंग के बाद, अब सेना अभ्यर्थियों का गुस्सा जो है वो भड़का हुआ है। राज्य के कई जिलों में इंटरनेट सेवाएं जो हैं वो बंद कर दी गई हैं। कल दिन भर आक्रोश देखने को मिला है। कई ट्रेन की बोगियों में आग लगा दिया गया है और आज बिहार बंद बुलाया गया है। देखिए, फिलहाल बिहार बंद का असर उतना नहीं दिख रहा है क्योंकि सुबह का समय है। पटना के डाक बंगला चौराहे की भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर फिलहाल ट्रैफिक व्यवस्था जो है वो सामान्य है, सुचारू रूप से चल रही है, गाड़ियों का आवागमन हो रहा है। लेकिन आज बिहार बंद का आह्वान किया गया है सेना अभ्यर्थियों द्वारा, कुछ एक स्टूडेंट्स यूनियन द्वारा, जिसे बिहार में महागठबंधन ने भी अपना समर्थन दिया है, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने भी अपना समर्थन दिया। लेकिन उससे पहले तैयारियां जिला प्रशासन की ओर से कर ली गई हैं। पुलिस मुस्तैद है, हर जगह पर नजर रखी जा रही है। कई लोग जो कल उपद्रव कर रहे थे उन पर कार्रवाई भी हुई है। और ऐसे में बिहार के मुजफ्फरपुर और सिवान जिले में कल देर रात को ही धारा 144 लगा दी गई है। देखिए, राज्य के दो जिलों से खबर निकल के आ रही है, मुजफ्फरपुर और सिवान, इन दोनों ही जिलों में 144 धारा लगा दी गई है। 5 लोग से ज्यादा आदमी एक जगह पर इकट्ठा नहीं हो सकते हैं, नहीं तो उन पर कार्रवाई होगी। और अग्निपथ योजना का जमकर के विरोध हो रहा है। आज बिहार बंद का आह्वान किया गया है। तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कल की भी, कैसे लोगों ने खूब हुड़दंग मचाया है, उपद्रव किया है। सेना अभ्यर्थियों की मांग है कि इस अग्निपथ स्कीम से उन्हें काफी नुकसान होने जा रहा है और ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपना आंदोलन कर रहे हैं। देखिए, आंदोलन करना सही है, लेकिन उपद्रव मचाना, सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाना, हमारे देश को क्षति हो रही है, राज्य की संपत्तियां जल रही हैं, बसों को तोड़ा जा रहा है, तो ये ठीक बात क्या है? आप खुद विचार कीजिए। लेकिन ऐसे में अब क्या केंद्र सरकार जल्द फैसला लेती है, क्योंकि बिहार में जेडीयू ने भी कह दिया है सरकार पुनः विचार करे। ऐसे में आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं विद्यापति चंद्रवंशी, क्या कुछ वो कह रहे हैं, जरा सुनिए। अग्निपथ योजना जो सरकार ने लागू किया है और छात्र आज बेकाबू हैं, उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं, देश की संपत्ति का ही नुकसान कर रहे हैं, यह बताता है कि यह योजना छात्र हित में नहीं है। इतना ही नहीं, अगर ऐसी बात है कि सरकार कह रही है कि यह छात्र के हित में है, तो प्रधानमंत्री जी को स्वयं आकर के छात्रों को संतुष्ट करना चाहिए कि यह योजना किस तरह से छात्र के हित में है। क्योंकि इतना ही नहीं कि इसका असर छात्र पर पड़ेगा और देश के जो सैनिक हैं उसके भी मनस्थिति पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। इसलिए मेरा ये कहना है कि इस आंदोलन को शांत करने के लिए और छात्रों को अपनी बातों से संतुष्ट करने के लिए प्रधानमंत्री जी को आकर के स्वयं संवाद करना चाहिए। क्योंकि प्रजातंत्र में यदि किसी योजना को और कानून को आप जनता पर जबरदस्ती थोपते हैं, तो इसी तरह के आंदोलन होते रहेंगे और यह राष्ट्रहित में कतिपय नहीं होगा। तो आपने सुना, आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के राष्ट्रीय अध्यक्ष है विद्यापति चंद्रवंशी, उन्होंने क्या कुछ कहा है। आज पूरे दिन बिहार बंद की क्या कुछ तस्वीर निकल के आती, क्योंकि सुबह की खबर आपको दिखा रहे हैं, मुजफ्फरपुर और सिवान जिले में 144 लगा दी गई है। राज्य के 13 जिलों में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं और पुलिस व्यवस्था चाक चौबंद है। कल देर रात को ही बिहार के डीजीपी ने एक बड़ी मीटिंग की है, गृह विभाग की एक बड़ी मीटिंग हुई है, जिसमें सख्त निर्देश दिए गए हैं, उपद्रवियों को छोड़ना नहीं है। अगर आप उपद्रव करते हैं प्रदर्शन के दौरान, तो फिर आप पर कार्रवाई होगी, पुलिसिया कार्रवाई होगी, कई सारे राजनीतिक दल भी आज सड़कों पर उतरेंगे। क्या कुछ माहौल रहेगा, उसे आपको जरूर अवगत कराएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।